नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश की राजनीति में समय धार्मिक मुद्दे ज्वलंत है और ज्वलंत मुद्दों के साथ राजनीति करने की इच्छा फिलहाल सभी पार्टियों की है। कारण ये है कि जनता के मुद्दों को उठाना नहीं चाहता और शायद जनता के मुद्दों को उठाने की फुर्सत हमारे यहाँ के राजनीतिक दलों को हो भी नहीं है, क्योंकि होती तो शायद अब तक जनता के मुद्दों पर संघर्ष हो रहा होता। पर निश्चित रूप से यहाँ पर धार्मिक मुद्दे बड़े आसान मुद्दे होते हैं और इस पर प्रतिक्रिया करना, आरोप प्रत्यारोप करना बड़ा आसान हो जाता है। हम लगातार देख रहे हैं कि तमाम तरह के मुद्दे ज्वलंत रहते। कभी ज्ञानवापी मुद्दा आता है, कभी श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह का मुद्दा आता है, तो अभी इस समय जो मुद्दा चल रहा है वो रामचरण मानस का मुद्दा चल रहा है। उसी मुद्दे पर लगातार सियासत जारी है। उसके बाद जिस तरह से नुपुर शर्मा का भी हाल में हमें देखा था, एक बयान आया था, उसके बाद जो राजनीति हुई थी, जो गहमागहमी हुई थी, जो वैश्विक नाराजगी की सामने आई थी, उसके बाद हमने देखा था कि बीजेपी लगातार इसको लेकर सक्रिय रही और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नेताओं को ताकीद करते हुए कहा था कि धार्मिक बयानबाजी ना की जाए। इससे देश का जो सांप्रदायिक सौहार्द होता है, एकता होती है, कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुँचता है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि रामचरितमानस को लेकर जिस तरह से बिहार में शुरुआत हुई, चंद्रशेखर वहाँ के जो शिक्षा मंत्री, उन्होंने शुरुआत की, उसके बाद ये मामला उत्तर प्रदेश आया और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस मामले को लेकर उठाया, उसके बाद पोस्टर बार और होर्डिंग बार शुरू हो गया। गर्व से कहो हम शूद्र हैं, और तमाम चौपाइयों पर यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य मुखर नजर आ रहे थे। और देखा जा रहा था कि अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर कुछ अलग बात न करते हुए या उनको ताकीद न करते हुए केवल उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया और उनसे जातिगत जनगणना पे आगे बढ़ने को कहा। पर अभी हम देख रहे हैं हाल में ही जिस तरह से अखिलेश यादव की पार्टी में एक लेटर जारी हुआ है और कहा गया है कि जो नेता है, पदाधिकारी है, मीडिया पैनलिस्ट है या जो भी समाजवादी पार्टी जुड़े लोग हैं, वो सांप्रदायिक मुद्दों पर ना बोले, धार्मिक मुद्दों पर ना बोले। यानी अखिलेश यादव भी अब इस मुद्दे पर बैकफुट पर चले गए। कहना है कि शायद जो धार्मिक मुद्दे हैं वो हमारे देश में नहीं होने चाहिए और इस फिलहाल इस मुद्दे पर बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। पर सबसे सारी समस्या ये है कि बयानबाजी हो चुकी है, राजनीति हो चुकी है और जो गहमागहमी होनी थी, आरोप प्रत्यारोप के दौर थे, वो भी हो चुके हैं। कटाक्ष के तीर पर चल चुके हैं और कहीं ना कहीं जो इससे नुकसान होगा वो भी तय है। नुकसान कितना होगा, किसको होगा और कैसे होगा, ये फिलहाल भविष्य के गर्भ में निहित है। पर एक बात तो स्पष्ट है कि जब भी धार्मिक मुद्दे उठाए जाते हैं उससे नुकसान होना लाजमी है, क्योंकि धर्म श्रद्धा, आस्था और भक्ति के लिए बना है, राजनीति के लिए नहीं। फिलहाल इस पर एक हमारी रिपोर्ट देखते, चर्चा को आगे बढ़ाते। यूपी में इन दिनों धर्म पर टिप्पणी का बोल बाला है, जहां रामचरितमानस संग्राम के बीच पार्टी नेताओं को अखिलेश यादव की धर्म पर ना बोलने की नसीहत दी गई। इसके लिए अखिलेश यादव ने एक पत्र भी जारी किया है, जिसमें ये साफ स्पष्ट किया गया है कि कोई भी सपा का नेता, कार्यकर्ता किसी भी धार्मिक मुद्दे पर नहीं बोलेगा। इस पत्र को जारी करने की वजह कोई और नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है, जिसने राजनीति में धर्म का समावेश किया है, या यूं कहें कि धर्म की राजनीति होने लगी है। अखिलेश के पत्र के बाद अब पार्टी कार्यालय के बाहर लगे सियासत के पोस्टर हटा दिए गए, साथ ही जाति जनगणना से जुड़े पोस्टरों को भी हटा दिया गया है। माना जा रहा है कि अब सपा मानस संग्राम से दूर जाना चाहती है। सियासी जानकारों की माने तो अखिलेश यादव की कार्रवाई में भी सियासी भू आ रही है। दरअसल पार्टी की दो नेता ऋचा सिंह और रोली तिवारी ने जब राम के समर्थन में उतर आई तो आला कमान को ये नागवार गुजरा और उन्होंने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जबकि स्वामी प्रसाद को नसीहत देकर छोड़ दिया गया। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पार्टी में महिलाओं को अपनी बात कहने की आजादी नहीं है क्या? सपा महिला विरोधी पार्टी है? इन सब के बीच देखना दिलचस्प होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य आला कमान की बात को सराखों पर रखते हैं या अपने अड़ियल रवैये को जारी रखते हैं।
00272। राजनीतिक बयानबाजी चल रही है, कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट है कि राजनीतिक बयान भी जरूरत क्या है। अगर धार्मिक बयानबाजी करनी है तो धर्म पे इस तरह कटाच करना, किसी धार्मिक ग्रंथ पर कोई बात करना, किसी धर्म के पैगंबर पर या उसके आराध्य पर चर्चा करना, ये जरूरी कहाँ है। और कहीं ना इसकी हम एक पुनरावृत्ति देख चुके हैं कि अभी हाल में नुपुर सरमाला वाला जब मामला आया था उसके बाद लगातार इस तरह की चर्चाएं चल रही थी और कहा जा रहा था कि शायद ये मामला आने वाले समय में भारत की वैश्विक जो एक छवि है उसको नुकसान पहुंचाएगा। वो हुआ भी जब IOC संगठन के देशों ने ये बात स्पष्ट कही कि इस समय इस तरह के मुद्दों की जरूरत नहीं है और किसी धर्म पर टिप्पणी करना जरूरी नहीं है। पर चूंकि हमारे यहाँ के नेता हैं वो बार बार इन चीज़ों से अनुभव नहीं लेते हैं और लगातार दौर जारी है बयानबाजी का। इस दौर की अगर बात करें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी हाल में ही ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा के पेपर उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हनुमान जी के वंशज हम लोग हैं, यानी उन्होंने स्वयं को हनुमान जी का वंशज बताया है। कह रहे हैं कि जो हनुमान जी के वंशज थे, बानर थे, उन्होंने भगवान राम को युद्ध जिताया, जिताने के बाद अपेक्षा हुई, उनके लिए कुछ नहीं किया गया। ऐसे ही हम लोग भी वही है, हमने कांग्रेस बीजेपी सपा बसपा सबको जिताया पर हम लोग के लिए कोई काम नहीं हुआ। तो खैर राजनीतिक बयानबाजी जरूरी है पर धार्मिक बयानबाजी की जरूरत नहीं है। और निश्चित रूप से यहाँ पर अखिलेश यादव ने भी सबको ताकीद करते हुए जो पत्र जारी करवाया है कहीं ना कहीं उससे भी एक बात स्पष्ट होती है कि शायद अब वो भी इन मुद्दों से किनारा पकड़ते नजर आ रहे हैं। महत्वपूर्ण चर्चा विषय में मेहमान जुड़ चुके हैं, आपको रूबरू करा दूं। नेता भाजपा से प्रशांत मिश्रा कुशल पर पक्ष रखेंगे, जयप्रकाश पांडे भाई समाजवादी पार्टी प्रवक्ता ग्रुप पर पक्ष रखेंगे, जनक प्रसाद आम आदमी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सुभाषपा से दयाराम भार्गव अपना पक्ष रखेंगे और राजनीति विश्लेषक के रूप में दिलीप हर्षवर्धन भाई अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा जो पहला सवाल रहेगा वो रहेगा प्रवक्ता सपा से। जयप्रकाश भाई, जो पत्र जारी हुआ उसके पीछे क्या दूरदर्शिता है कि शायद अब सांप्रदायिक मुद्दों पर सपा आगे नहीं बढ़ना चाहती है, या स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस तरह से लगातार बयानबाजी कर रहे थे, रुक नहीं रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लगातार उन मुद्दों को गरमा रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक बार से स्पष्ट है कि इस तरह की बयानबाजी के चलते कुछ दिक्कतें हो रही थी पार्टी को या नुकसान का अंदेशा था जिसके चलते इस तरह का लेटर जारी किया, कैसे देखते हैं? समाजवादी पार्टी के आदर्श को सिद्धांत को कोई एवरेज समझ भी रखता होगा तो यह लेटर उसमें कुछ भी नया नहीं है। ये निश्चित रूप से लोहिया के वैचारिक जागरण और नेताजी के संघर्षों की जो विरासत थी उसी का एक विस्तार है, उसी की साखी है आज के संदर्भों की। तो चूंकि समाजवादी पार्टी का निश्चित रूप से राजनीतिक दल तो हम रहे ही हैं और जो भी सामाजिक न्याय के उद्देश्य से आने वाले संगठन या बहुजन समाज के न्याय के लिए पूरे भारत में रहे हैं, महाराष्ट्र में रहे हों ज्योतिबा फुले से लेके पेरियार से लेके या डॉक्टर लोहिया कर्पूरी ठाकुर से लेके आज तक लालू जी मुलायम मतलब स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को नेताजी के नाम से हम लोग संबोधित करते हैं, तो ये सारे के सारे लोग राजनीतिक मतलब इनका जो एजेंडा था वो तो बहुत छोटा था, मिलता तो सामाजिक न्याय की ही लड़ाई लड़े, तो ये कोई बड़ा नया नहीं। हाँ, लेकिन मैं एक चीज बता दूं कि जो अतिवादी वामपंथी या अतिवादी चिंतक और समाजवादी जो चिंतक या राजनीतिक संगठन रहे हैं उनमें बुनियादी फर्क है। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि जाति के विरुद्ध लड़ाई तो जारी रहेगी जब तक बराबरी नहीं मिल जाती है, लेकिन वो नफरत के वातावरण में नहीं होगी, विद्वेष के लिए स्पेस नहीं होगा, वो आपसी विश्वास और सद्भावना के वातावरण में होगी। तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पत्र आया है वो उसी ट्रैक को लोगों को याद दिलाना है कि भाजपा चूंकि इसमें माहिर है, चूंकि आपको मैं कई बार बता ही चुका हूं कि न तो उनका आजादी तो आप लोग क्या बताऊं, क्योंकि उनका आजादी के पहली लड़ाई से कुछ लेना देना नहीं है, तो आप लोग भी तो मैं बता नहीं, हमारा तो ट्रैक ही नहीं है, ट्रैक ही नहीं है न उनका आजादी की लड़ाई से लेना देना रहा न सामाजिक न्याय आंदोलन से रहा, तो उनकी तो वही गाढ़ी कमाई है कि नफरत फैला के एक अल्पसंख्यक वर्ग हो या अल्पसंख्यक सामाजिक वर्ग हो उसको टारगेट करके बाकी लोगों के दिमाग में जहर भर के राजनीतिक हित साधते रहे हैं। तो ये है कि वो सपा के लोग उनके
मतलब कहे पीच पे ना आए और अपनी जो सरकार की विफलताओं को हमें उठाना है, जो प्रदेश की आज दशा है, जो मतलब पेट की आग तो थी ही लेकिन शासन की बदले की आग से। सवाल रहेगा आपसे, आप तमाम चीजें आपने बताई, अच्छा लगा मुझे सुन के, विचारधारा अच्छी है सपा की, पर आपने कहा कि ये उठा हम नहीं रहा, बीजेपी करती है। स्वामी प्रसाद मौर्य तो बीजेपी में तो है नहीं, फिलहाल सपा में है, और जिस तरह से लगातार वो रामचरित मानस को लेकर कटाक्ष करते रहे, चौपाइयाँ को लेकर उन्होंने संशोधन की बात कही, तमाम बातें कही, उसके बाद कुछ लोगों द्वारा पतियाँ भी जलाई गई, मामला उठता रहा, और फिलहाल ये चर्चा का विषय बना है तब से लेकर अब तक, यहाँ तक कि चर्चा इतनी बड़ी बन गई कि आपके पार्टी के लोगों में ही इस पर विरोधाभास शुरू हो गया और आपने दो अपने आगे महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं को, महत्वपूर्ण अंग को हटाना पड़ा, रोहित तिवारी और ऋचा सिंह। फिर आप कैसे बोल सकते हैं ये बात कि हमारी पार्टी इस पर काम नहीं कर रही? निश्चित सवाल आपका बड़ा अच्छा है जी, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो भी बयान है जिससे आज पूरे देश में एक विमर्श बना है दलित चेतना का जी, और दूसरा जो हमारी दो मतलब बहने निकाली गई हैं उनका मसला, तो जो निकाली गई है उनका स्वामी प्रसाद मौर्य जी से कोई बयान से लेना देना नहीं है। अच्छा। वो लोग लंबे समय से राज, देखिए एक दल कोई भी होगा अच्छा। वो अनुशासन के दायरे में ही रहेगा। अच्छा। अनुशासन की सीमा आप क्रॉस करेंगे, अब वो टाइमिंग को आप कनेक्ट कर रहे हैं वो आप पत्रकार हैं कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन हमारा स्वामी प्रसाद मौर्य जी के मतलब खिलाफत उनका या इस वजह से नहीं है, उनके अनुसार उनका पूरा ट्वीट आप पढ़ लीजिए, नहीं उनका पूरा मैं बता रहा हूँ, सुनिए उनका पूरा ट्वीट पढ़ लीजिए 4-6 महीने का जी। तो आप अगर हमारे दल में हैं तो जाहिर है कि दलीय अनुशासन, दलीय सीमा मर्यादा अच्छा। रहेगी, लेकिन आप पार्टी फोरम के बजाय आपके ऐसी भाषा, ऐसे मतलब कहिए कि अंदाज से साफ होता है कि आप किसके लिए बैटिंग कर रहे हैं, तो वो तो कोई भी नेतृत्व बर्दाश्त नहीं करेगा, और स्वाभाविक है। अच्छा। तो और दूसरा मैं बता दूं कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात कर रहे हैं वो तो हमारा नेतृत्व स्पष्ट कर चुका है कि उनके व्यक्तिगत बयान है। अच्छा। लेकिन व्यक्तिगत के अगर आप पार्टी की भी बात कर रहे हैं तो देखिए एक चीज बता दें हम आपको कि हिंदुत्व की अधूरी समझ, नहीं मैं बता रहा हूँ सुनिए, तो हिंदुत्व की अगर अधूरी समझ किसी को हो तो वो, मैं बता तो रहा हूँ कि भाजपा हिंदुत्व की बहुत ही आधी अधूरी व्याख्या करती है, और वो इस्लाम के ट्रैक पे वो सोचती है कि इसका एक खुदा, एक पवित्र पुस्तक है, कभी नहीं बदलेगा। अब इसलिए अगर कोई किसी पुस्तक पे उसी समुदाय का व्यक्ति, उसे लगता है कि उसकी भावनाएं आहत होती हैं, कुछ बोलता है तो वो हराम है, नाकाबिले बर्दाश्त है। अच्छा। उसकी गर्दन काट दी जाए। अच्छा। ये नहीं है, मैं बता दूं कि अगर थोड़ी भी तारीख अगर हिंदुत्व की देख लीजिए आप, तो हिंदुत्व एक ऐसा धर्म है जो समय के साथ परिवर्धित होता, परिवर्तित नहीं, परिवर्धित का मतलब यह है कि जो भी बदलाव होता उसे आत्मसात करता है। अच्छा। और ये मैं धर्मशास्त्री नहीं हूं, मैं जो वैज्ञानिक अध्ययन हो चुका उसकी बात बता दूं, एक मिनट लगेगा, क्योंकि देखिए ऋग्वेद हिंदुओं का सबसे पुराना ग्रंथ है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर 2007 में दर्ज है, पुराण में लिखा गया इसलिए मैं नहीं मानता। अच्छा। तो अब यह है कि यूनेस्को में दर्ज, और वहां अगर हमारी उपासना पद्धति आप देखेंगे तो यज्ञ था, मूर्ति पूजा नहीं थी, और ना ही अवतारवाद था, लेकिन जब देश काल परिस्थितियां बदलती हैं तो कोई भी उपासना पद्धति में भी विसंगति आती है। अच्छा। यज्ञ में भी सामंती ताकतें जब प्रदर्शन करने लगी, राजसुबाज पे अश्वमेध यज्ञ होने लगे, 21-21 प्रकार के पुरोहित और लाखों गाय, पैसे, संपत्ति का प्रदर्शन होने लगा। हाँ। तो कोई स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं आए, अगर अच्छा। आप मुंडक उपनिषद पढ़िए। हाँ। तो उसका प्रतिक्रिया आई वेदांत में। अच्छा। और मुंडक उपनिषद में ही कहा गया कि यज्ञ टूट गया। अच्छा, आपने तमाम आपने बातें कही, मेरी सुनिए, मूर्ति पूजा तमाम, ये तो युगों चली आ रही है, वही तो बता रहा हूँ, हमें लग रहा है कि आज संयोग से सुलझे हुए लोग हैं, तो एक मिनट में व्याख्या कर दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा जी। तो जैसे ये है कि वो यज्ञ को उपनिषदों में ही विरोध किया गया। अच्छा। और उसके बाद उसको सुधार दिया गया, उसका मतलब नहीं खंडित हुआ। अच्छा। फिर वेदांत के बाद जब भी आप देखिए, जैसे यह अवतारवाद की भी जब व्याख्या आई, मूर्ति पूजा हुई, तो एक रिफॉर्म की बड़ी लंबी चेन है। रामधारी सिंह दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय में साफ साफ लिखा है कि हम 4 बार तो मेजर बदलाव से गुजरे हैं, जब आर्य आए, अनार्य तत्वों को समाहित किए, फिर ये भागवत जब बैक्टीरियाई सब कुषाण ये लोग आए, इनको समाहित करने के लिए हम भागवत और सह संप्रदाय लाए, जब इस्लाम का हमला हुआ,
भारत पे इस्लाम की हुकूमत हो गई तो जो सांस्कृतिक चुनौती आई, जब कबीर ये कहते थे कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरिको भजे सो हरिका होई, तो भक्ति के दरवाजे सबके लिए खोले गए थे। अच्छा। भले आप वेद अध्ययन नहीं करने देते थे, मंदिर नहीं जाने देते थे, आधी आबादी दलित या कुछ अति पिछड़ों को, समझ नहीं पा रहा हूँ सपा का स्टैंड क्या है। अरे स्टैंड समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात को, सपा का स्टैंड क्या है, सपा का स्टैंड इसमें कहाँ आता है। मैं बता रहा हूँ कि स्वामी प्रसाद को जबरदस्ती मत घसीटिए, उसको बृहत्तर आयाम में देखिए। अच्छा। और आप सवर्ण है तो आप समझ ही नहीं सकते। अच्छा। कि कोई दलित किस लिए कहेगा भाई दलित, अगर तो आज उनको 40 साल से यार क्यों नहीं आया। अरे दलित आज मुर्दैया लिखता है जेएनयू का टीचर। अच्छा। क्या समझते हैं आप। अच्छा। दलितों को रोटी बेटी का रिलेशन क्या है हिंदुओं। और अगर कायदे से कहे दलित मजबूत बनाना है हिंदुत्व को, तो हमें थोड़ी उदार रुख अपनाना। 40 साल बाद यार कैसे आ गए। स्वामी प्रसाद की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मूल मुद्दा ये बता रहा हूँ कि तो हमारा धर्म सतत बदलता रहा। दयानंद शंकराचार्य, दयानंद तो ब्राह्मण थे, दयानंद मूर्ति पूजा की बड़ी निंदा करी, तो क्या वो हिंदू विरोधी। आप यहाँ निंदा कर रहे हैं हिंदुओं को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए सुन लीजिए मैं बताऊं, अगर सिखों के ट्रैक पे हमारे मठ और मंदिरों का लोकतांत्रिक चयन समितियां प्रबंधन करने लगे सबकी सहमति से, कोई सपा के आग्रह से नहीं, कर लेंगी तो सिख जैसे हैं वैसे मजबूत होंगे। सुधार जरूरत है। अगर दलितों की मूल मांग है कि नहीं उनकी भावनाएं आहत होती हैं, लेकिन राजनीति उसमें नहीं होनी चाहिए, वो मिशनरी काम होता है। सपा का जो एजेंडा है वो यही है कि भैया राजनीति अलग है, समाज सुधार अलग है। समाज अगर आप ये कह देंगे समाज सुधार, दलित कुछ बोल दिया तो इस्लाम नहीं है हिंदुत्व। अच्छा। हिंदुत्व में स्पेस है, एक सद विप्रा बहुधा बदंती, ऋग्वेद में ही कहा गया है। अखिलेश यादव को बयान देना चाहिए क्या, तो क्यों उन्होंने कहा कि लेटर रख के किस मुद्दे पर ना बोला जाए, सांप्रदायिक मुद्दे पर ना बोला। अरे उसको इस सामाजिक न्याय के लिए तो कहा है अखिलेश जी ने, जाति जनगणना पे हम लड़ेंगे। हाँ। क्यों नहीं लड़ेंगे, उससे बड़ा मुद्दा क्या है। तो आप मैं क्या बोला, ये मुद्दा समाज सुधार का है। सुनिए ये राजनीति मतलब ये परसों भी बताया था। हाँ। इस देश में संत कभी सत्ता में नहीं। एक सिंगल स्टेटमेंट दीजिए, ये मुद्दा समाज सुधार का है या सुनिए, हम भाजपा की तरह अंतर विरोधी चरित्र के नहीं है कि संत के ड्रेस पहन के मुख्यमंत्री कुर्सी बैठ जाए। अच्छा। ये कभी नहीं हुआ भारत में, बताया तो मैं पहले ही था कि तुलसीदास। जवाब नहीं आया, जवाब नहीं आया आपका, जवाब नहीं आया। इसलिए ये है कि ये समाज सुधार, फिर आखिर कमेंट आ, लेकिन हाँ हमारी प्रतिबद्धता सामाजिक न्याय के प्रति है, दलितों के सशक्तिकरण के प्रति है, आधी आबादी। मेरा जहां भी ना इंसाफी है बराबरी की। सिंगल स्टेटमेंट मुझे दे दीजिए, जो साईं प्रसाद मौर्य कह रहे हैं समाज सुधार है या धार्मिक मुद्दा है। देखिए स्वामी प्रसाद अति पिछड़े समुदाय से, फिर आप लंबा लेके चले गए और अभी आपने समाज सुधार बोला। हमारी भावनाएं आहत होती हैं तो उनको व्यक्तिगत रूप से कहने का नैतिक हक है, लेकिन पार्टी का जो हमारे स्टैंड है वो ये है कि हमारे जनप्रतिनिधि बाकी जो लोग हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी मानती है कि ये धार्मिक मुद्दा है। अरे क्यों नहीं है धार्मिक मुद्दा, ठीक है ठीक है ठीक है, समस्या कोई ठीक है, आपके मुताबिक समाज सुधार है, पार्टी मानती है धार्मिक मुद्दा है, ठीक है। प्रसाद मिश्रा कुशल आपकी क्या राय है भाई, तमाम बातें सुनिए आपने। अखिलेश यादव ने एक चिट्ठी लिख के सबको ताकीद किया है कि धार्मिक और सांप्रदायिक मुद्दों पर ना बैठा जाए, जनता के जो मुद्दे उस पर बैठा जाए, उसकी बात उठाई जाए और इन मुद्दों से किनारा किया जाए, कैसे देखते हैं जी। जी कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामी प्रसाद रामचरित मानस की बेइज्जती की है, रामचरित मानस का अपमान किया है, उसका विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं जी। ये हिंदू है और ये समाजवादी पार्टी के हिंदू हैं, इसलिए अपमान को बर्दाश्त कर रहे हैं। अच्छा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यदि ये चीज कही कि रामचरित मानस का अपमान होना चाहिए, रामचरित मानस पे विवादित बयान देते हैं, विवादित बातें कहते हैं जी, ये भारत देश में ही संभव है जी, ये भारत देश में ही संभव है कि इस प्रकार की बातों को लेकर के भी हिंदू समाज के लोग शांत हैं, शांति बरत रहे हैं और अखिलेश यादव जी उनको पदोन्नति कर रहे हैं। शान थोड़ा कानपुर देहात में हो जाए जहाँ जौहर की दूसरी आग लगी हुई है, बुलडोजर वो चित्तौड़गढ़ नहीं था, हिंदुओं को उत्तेजित वहाँ होना चाहिए। हमें तो बड़ा आश्चर्य है, आरएसएस ने भाजपा ने ब्रेन वॉश करके कार्यकर्ताओं को किस श्रेणी का बौद्धिक प्राणी बना दिया है। अच्छा। कि जहां उनको आक्रोश आना चाहिए, जहां एक बहन जिंदा जला दी गई है वहां नहीं बोलेंगे, दो बहन, और ये ट्वीट करेंगे स्वरा भास्कर पे, बात भाषण देने हमको आए। बता दीजिए आप अपने, देखिए कि आप लोगों को पहुंचा दिया भाजपा ने, प्रसार मिश्रा बता दीजिए दो लोगों ने जी, आपके यहाँ पर दो लोगों ने अगर जो रामचरित मानस के दूसरा जौहर की रामचरित मानस का अपमान करने का पूरा का पूरा काम स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ समाजवादी पार्टी ने भी किया है, आप बोल ही नहीं सकते। और
स्वामी प्रसाद मौर्य जी दोनों लोग हिंदू समाज से माफी मांग गए जी। बोले 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 चलिए ठीक है, रामचरित मानस का अपमान नहीं सहा जाएगा। चलिए ठीक है, धर्म इंसान के लिए ही बना है और इंसान तो यहाँ जिंदा जलाया जा रहा है भाई साहब, उस पर भी कभी ध्यान दे लीजिए। पांडे जी आप ये बताइए, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय से कहना चाहूंगा, आप खुल करके बताइए कि आप रामचरित मानस का जो अपमान स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किया है उसका खंडन करते हैं कि नहीं, उससे माफी मांगेंगे कि नहीं? मानता हूं कि सबसे बड़ा गलत काम अधार्मिक कार्य ये है कि एक बेबस लाचार ब्राह्मण कन्या को अच्छा जिस तरह से दूसरे जौहर की आग में जला के भस्म कर दिया गया, उससे बड़ा अधार्मिक कार्य भारत की जमीन पे कभी हुआ ही नहीं। अच्छा क्या बात है, ठीक है ठीक है, आप अगर निंदा माफी मांगनी है तो पहले ठीक है ठीक है, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा गौरव जी, जवाब आ गया जवाब आ गया ठीक है। जनक प्रसाद नेता जनक भाई आपकी क्या राय, जिस तरह से पूरा मामला चल रहा है और जिस तरह से पहले मैं देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नेताओं को ताकीद किया था, बताया था कि धार्मिक बयानबाजी दूर रहे, और ऐसी ही कुछ नीति अखिलेश यादव ने भी अपना ली है और निश्चित रूप से इस नीति का अनुसरण होना चाहिए। धर्म राजनीति के लिए नहीं बना है, धर्म पर राजनीति जब जब होगी देश का माहौल खराब होगा। आपकी क्या राय है? देखिए एज ए मैं आज आपके साथ बैठा हूँ आम आदमी पार्टी के तिरंगा शाखा प्रमुख के रूप में जी, और तिरंगा शाखा माननीय सांसद संजय सिंह जी ने शुरू किया है जी, और उनका उद्देश्य यही है कि हम संविधान की उस मूल भावनाओं के ऊपर ही बात करें जी। और हमारी पार्टी को आप जानते होंगे कि धर्म और जाति, जाति में जाति को ढूंढने का काम नहीं करते हम लोग जी, और हमारा मानना है कि जैसे हमारे पांडे जी ने सपा के प्रवक्ता जी ने बोला है कि हिंदू जो धर्म है प्रोग्रेसिव इम्प्रूवमेंट का कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का धर्म है जी। तो अगर किसी भी समाज को किसी पंक्तियों से किसी लाइनों से जी, अब उस समय क्या परिस्थितियां रही होंगी, किस परिस्थितियों में उन्होंने लिखा होगा, हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते, ये शोध का विषय है। लेकिन अगर उस पंक्तियों से आज के समाज को जी, जो SC ST OBC है 85% समाज है जी, अगर वो उससे आहत हो रहा है जी, तो मेरे ख्याल से जो हमारे देश के विद्वान है धार्मिक जो करने उनको विचार करना चाहिए जी, और कहीं ऐसा ना हो कि 24 की लड़ाई 15 बनाम 85 हो जाए, अभी 80-20 की लड़ाई हुई थी, कहीं 15 बनाम 85 के ना हो जाए। तो हम लोग तो यही मानते हैं कि हम शिक्षा की राजनीति करें, क्योंकि आपका सोशल जस्टिस तभी कंप्लीट होगा, आपका तभी होगा जब आप शिक्षित होंगे। एक एक स्कूल, एक एक विद्यालय, आप देखिए आप गांव में जाके देखिए टीचर नहीं है जी, ये कौन सी भाजपा के लोग कौन सी सरकार चला रहे हैं, टीचर नहीं है, अच्छा स्कूलों में टीचर नहीं है और बच्चे खेल रहे इधर उधर, कौन सा भारत बनाएंगे आप? हम पूछना चाहते हैं। यही आप लोग सपा की बात कर, दलित चेतना की बात कर रहे थे, जब सपा की गवर्नमेंट थी तो आप देखिए इनके दलित का रिजर्वेशन उन्होंने कैंसिल कर दिया था माननीय अखिलेश जी ने, अच्छा तो कौन सी बात कहां लेके आप आ रहे हैं? सोशल ये भी नहीं है, कर तो रहे हैं लेकिन आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए ना, हमारे अरविंद जी कहते हैं ये देश संविधान से चलेगा, अच्छा ये मनुस्मृति से देश नहीं चलेगा, जो हिंदुत्ववादी अभी हमारे अखिलेश जी पहले बहुत बड़े हिंदुत्ववादी बने हुए थे, जब इनका घर धुलाया गया ना तब जाके पता लगा ये भी शूद्र है, तब जाके इनको पता लगा, जब इनके योगी जी ने इनके बंगले को जो धोया गया है ना, तब पता लगा रे बाप रे बाप मैं तो कुछ और था। आपको नहीं पता था? नहीं इनको हमको पता था। फिर आप कैसे बोल रहे कि मान ना मान, मैं तेरा मैं मान, फिर क्या आप कैसे बोले दरबार रोड़ी है भाई, ये लोग क्या चीज, आप इनका ट्रैक, आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए ना, आप देखिए ट्रैक रिकॉर्ड कितनी, जो गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब में जो स्टेट गवर्नमेंट की थी उसके खिलाफ जितने रिजर्वेशन प्रमोशन आप कैंसिल किया था उन्होंने, तो आप उस कैसे कह सकते हैं आप
समाज सुधार की बात कैसे इतना बोल रहा है कि वो शूद्र है, इतना बोल रहा है विरोधी है, मुझे समझ में नहीं आया। नहीं समझ, आप समझ लीजिए ना, जब योगी जी ने घर को जाति का विरोध कैसे कर सकता है, जब योगी जी ने उनके घर के बंगले को धुलवाया था ना, तब पता लगा उनको। अच्छा, तब पता लगा, तब यार मामला कुछ और है। तो चले ठीक है, धर्म भाई बहुत से मुस्कुरा रहे, उनकी बात भी ले लें। धर्म भाई, ओम प्रकाश राजभर जी तो हमेशा नए नए बयान देकर चर्चा बने रहते हैं, हनुमान जी के वंशज हो गए हैं वो, बयान उनका नया आया कल, पर जिस तरह से यहाँ पर सही है, मैं सही है, सही है, उस बयान का मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ, समर्थन करते, मुझे 2 मिनट देना, मैं पूरा बताऊंगा आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे, पर यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर अखिलेश यादव ने एक लेटर जारी करके सबको ताकीद किया है, समझाया है कि इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। पहले बीजेपी के द्वारा भी इस तरह की बात कही गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं आगे बढ़ के कहा था कि धार्मिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, और फिर इस प्रकार से यहाँ पर अखिलेश यादव ने भी सांप्रदायिक मुद्दों को ना उठाने की बात कही। आपकी क्या राय है, आप तो हमेशा मुद्दों को उठाते ही रहते हैं। देखिए जी, दिखाइए गौरव भाई जी, जिस समय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने यह बयान दिया, उसके तत्काल सबसे पहले मीडिया के साथियों ने जी चाचा शिवपाल के पास गए थे जी, उनके बयान को याद करिए जी, उन्होंने क्या कहा था, निजी बयान, उस बयान को याद करिए, निजी बयान, उसी से इतर हो करके जी, उसी से इतर होके जब समाजवादी पार्टी के मुखिया के पास गए, समाजवादी पार्टी के मुखिया जो उस समय चुप लगा गए, उन्होंने ये सोचा इस बयान से जी, जो अत पिछड़ों का इन्होंने शोषण किया 4 बार की सरकार में, अत दलितों का शोषण किया था 4 साल की सरकार में, इस बयान से इनको कुछ लाभ मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा। तो अखिलेश यादव कहते हैं बयान देने के लिए उनको, बिल्कुल क्यों नहीं किया, आप बताइए, अगर बयान ना, अगर बयान का समर्थन नहीं है तो उनको पार्टी में या तो गाइडलाइन पहले दे दिए गए होते। अच्छा, आपने इतना बवाल के बावजूद भी जी लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ करते हुए उनको आप पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव बनाते हैं, उनको प्रमोशन कर दिया, ये समर्थन नहीं तो क्या है। अरे आपको दर्द हो रहा है, अगर कोई, अरे आपको दर्द हो रहा है, वो राष्ट्रीय महासचिव बन गए तो किसको, हमें क्यों दर्द होगा, हम तो एक दल है भाई, हमें क्यों दर्द होगा, अच्छा हम दर्द हमें क्यों होगा भाई, हम तो एक दल है। अच्छा, अरे जो दल दल हो उसको दर्द हो, हम तो दल है भाई। अच्छा, समाज पार्टी दल है, मैं उसका एक कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, तो इसलिए दल में होता है उसको दर्द नहीं होता। अच्छा ठीक है, मेरा जो कहने का तात्पर्य उसको पहले समझ लीजिए, ये जो रामचरित मानस का बार बार ये ढिंढोरा पीट करके कह रहे हैं ना, स्वामी प्रसाद मौर्य 4 बार बहुजन समाज पार्टी में मलाईदार कैबिनेट मंत्रालय रहा है। अच्छा, तब उनको ये याद नहीं आया चौपाई, लेकिन उसके बाद 5 साल भारतीय जनता पार्टी में रहे, तब ये हमेशा सुबह शाम जपते थे रामम शरणम गच्छामि, रामम शरणम गच्छामि। अच्छा, बेटी को सांसद बना दिए, रामम शरणम गच्छामि। अच्छा, तब इनको ये याद नहीं आया। अच्छा, आपने देखा जब 2022 में उनको लगा कि कहीं उधर वाली गोल की सरकार बन जाएगी तो मैं मंत्री कहां रहूंगा, फट सिन्हा वहां से इस्तीफा देके इस गोल में आ जाते हैं, और संभवतः आने के बाद जिस सीट से चुनाव लड़ते हैं खुद तो हारते हैं, उसके इर्द गिर्द के सारे पूरे जिलों के जिलों की सारी सीट हार जाते हैं, ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है। अच्छा, दूसरी बात, जब इनकी साख गिर जाती है उसके बाद अब ये सोचे कि मैं करूं तो क्या करूं, दिलीप भाई को लेना है, अखिलेश जी के सह पे इस बयान को जारी करवाने का काम किया जाता है। अच्छा, आज समाजवादी पार्टी के मुखिया को ये समझ में आ गया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान जो वक्तव्य है वो गलत है। अच्छा, कायदे में उनको उसी समय नकार करके जो इस तरह की कृतियां चल रही थी उसको बयानबाजी बंद करा देना चाहिए। अच्छा, तो आज समाजवादी पार्टी की जो 2 बहनों का निकासित किया गया उसका विरोध करने की वजह से वो नहीं होता। अरे जयप्रकाश पांडेय विरोधी थी, बोलो इससे पहले देखिए। अच्छा गौरव भाई, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी जनता कहती थी गुंडा की सरकार है। अच्छा, गुंडा राज है ये, हम नहीं कह रहे, ये उठा के देख लीजिए। अच्छा, गुंडों की सरकार है, गुंडा राज चल रहा है। अच्छा, ये हमने नहीं कहा, ये जनता कहती थी। अच्छा, और उसी से तो त्रस्ता के क्या नाम है, जनता ने चेंज किया, 4 बार सरकार में रहे तब इन्होंने जनगणना नहीं कराई। अच्छा, इनकी सह पे केंद्र में सुन तो लीजिए भैया, सुन लीजिए, इनकी सह में, इनकी सह में केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही तब इनको जनगणना याद नहीं आया। अच्छा, तब इनको पिछड़ा अति दलित याद नहीं आता, तो मलाई खा रहे थे ना। सुन लिया, कितनी बार मलाई खिलाएंगे, दूसरी बार हो गई, कितनी बार मलाई खिलाएंगे, सुनिए। पर ये धार्मिक मुद्दों पर बयानबाजी जरूरत क्या है, आपके नेता ये पीछे नहीं है,
भाई कम से कम उनको भी थोड़ा सा इसमें सबक लेना चाहिए, आपको नुकसान ना हो जाए। वो अपने आप हनुमान जी का वंशज बता रहा है, क्या तरीका है भाई, जरूरत क्या है? बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, मुझे तो एक मिनट का समय तो बताता हूँ। एक मिनट ही आपको। गांव में पूर्वांचल में एक प्रचलन है गौरव भाई जी, हर बानर जी, मैं फिर आपको बता रहा हूँ जी, हर बानर की संज्ञा क्यों दी गई? जो तराई क्षेत्रों में जहाँ जंगलों के कटीलों में रात भर समाज जो बात किया करता था, सबसे बड़ा हिंदुत्व राजा कोई रहा था तो श्रावस्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराज सुहेलदेव राजभर, जिन्होंने आक्रांता को मार करके भगाने का काम किया और 150 से 200 साल तक किसी मुगल का शासन हमारे देश में नहीं था। तो इस तरह की जो कृतियां करने के बाद समाजवादी पार्टी किस मुद्दे बात करती है? भर बानर की बात इसलिए करते हैं, पूर्वांचल में चले जाइए, यही लोग कहते हैं करे तो भर बानर है। इसका कारण ये है कि इनको जो है क्या नाम है क्रिमिनल एक्ट में डाला गया, क्रिमिनल में जाने के बाद ये जंगलों के तराई में चले गए और क्या नाम है नदियों के किनारे चले गए, मतलब इस तरह छिप करके रहने का काम किया। अच्छा। लोग कहते हैं जैसे बंदर पेड़ पौधों में रुक करके छाए में रह करके अपना जीवन यापन करते थे, इसी तरह भरराज भर किया करते थे। उन्होंने अपना टाइटल लिखना बंद कर दिया क्योंकि क्रिमिनल एक्ट में थे, जब अंग्रेजों का शासन था मुगलों का शासन था वो लड़ने का काम करते थे। तो ओम प्रकाश राजभर तो सही तो कह रहे भरमानंद, दिक्कत क्या है? लेकिन आज भी देश की सरकारें चाहे कांग्रेस की हो या वर्तमान में बीजेपी की हो, भर राजभर को अभी मैं बताऊं आपको 11 मार्च 2022 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को कहा था कि भर राजभर को जो है एसटी में यानी अनुसूचित जनजाति में डालने का काम किया जाए, क्योंकि ये ट्रू ट्राइब्स में है और इनको डाला जाए, इनकी जात की वाकई में आप चले जाइए पूर्वांचल में बहुत ज्यादा बिल्कुल इनकी नगर स्थिति है, झोपड़ियों में रहने का काम करते हैं, बकरी वगैरह पाल करके अपना जीवन यापन करते हैं, जिस जात का राजा हुआ हो, जिसने देश की लड़ाई लड़ी हो, जिसने जो है हिंदुत्व को बचाने का काम किया, जिसने सनातन धर्म को बचाने का काम किया हो, उसका वंशज हो गया तो उसमें चर्चा तो होना चाहिए। ठीक है, आप लोग प्रयास देते रहिए। ठीक है दिलीप हर्षवर्धन भाई जुड़े हुए, दिलीप भाई आपको क्या लगता है जिस तरह से यहाँ पर बैकफुटी माना जाएगा और शायद सही तरीका भी है, धार्मिक मुद्दों पर बयानबाजी से निश्चित रूप से नुकसान होना लाजमी है और जिस तरह से यहाँ बयानबाजी हो रही है शायद ये हमारे देश की व्यवस्थाओं के लिए नुकसानदेह भी है। जो अखिलेश यादव ने लेटर जारी किया और सांप्रदायिक मुद्दों पर ना बैठने की बात कही, सांप्रदायिक मुद्दों पर चर्चा ना करने की बात कही, कैसे देखते हैं आप? राजनीतिक पार्टियों के द्वारा उठाया गया ये कदम, चाहे वो अखिलेश जी का लेटर हो, चाहे वो भाजपा का जारी किया गया बयान हो, कि धर्म के ऊपर बयानबाजी नहीं होगी और धर्म के ऊपर मीडिया में कोई भी प्रवक्ता उनकी बात नहीं करेगा। यशवर्धन भाई का आवाज बढ़ाया जाए, जोरो भाई का आवाज नहीं कहा जाएगा और वास्तव में धर्म राजनीति का मुद्दा है भी बिल्कुल सही बात, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया है, धर्म ही राजनीति का मुद्दा हो गया है और धर्म जब राजनीति का मुद्दा बनेगा जाहिर सी बात है कि कोई उसको कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा कि हर आदमी उसका फायदा अपने फेवर में लेना चाहेगा। बिल्कुल, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य अपने आप को दलित बताते हैं और चौपाई को दलित विरोधी बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वामी प्रसाद मौर्य को धर्म का विरोधी बताते हैं, हर व्यक्ति एक दूसरे को किसी न किसी का विरोधी बता करके अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करता है और चीजों का लाभ उठाने की कोशिश करता है, सामाजिक रूप से कहीं भी चीज नहीं है और इससे नुकसान भारत की संस्कृति को हो रहा है और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कोई पार्टी हो, हर पार्टी भारतीय सभ्यता का एक हिस्सा है जी। और भारतीय सभ्यता को सामाजिकता को बचाने का जो दारोमदार है वो इन जनप्रतिनिधियों के ऊपर सबसे पहले आता है। दुर्भाग्य की बात है कि यही जनप्रतिनिधि उसका बचाव ना करेंगे तो राजनीतिक हित में चाहे जैसे उसका जैसे भी उसका मजाक उड़ाना हो वो उड़ाने के लिए तैयार रहते हैं। अच्छा। अगर राजनीतिक लाभ हो जाए तो राजनीतिक लाभ होता है या नहीं होता है ये बात की बात है। फिलहाल इस बात को लेकर के चर्चा गर्म है, टीवी में डिबेट्स हो रही है, पेपर में खबरें छप रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य को अभी तक शायद कम लोग जानते थे, जो नहीं जानता था वो भी जान गया, पूरा इंडिया उनको जान गया। तो राजनेता का जो उद्देश्य होता है किसी भी गलत बयानबाजी के पीछे वो उद्देश्य स्वामी प्रसाद मौर्य का पूरा हो गया। समाजवादी पार्टी ने उनका समर्थन नहीं किया लेकिन उनका विरोध भी नहीं किया। अब भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को राजनीतिक लाभ के मद्देनजर सुन रही है, वरना भारत के कानून में ऐसा प्रावधान है धर्म विरोधी अगर कोई बयानबाजी हो रही है तो उसको रोका जा सकता है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करी जा सकती है। बिल्कुल, तो दूसरे
बिल्कुल जी, उसमें भी ये प्रावधान है कि अगर धर्म को लेकर के कोई बात गलत कही जा रही है तो वो कानूनी कार्रवाई होगी जी। अगर वो सिद्ध हो जाता है जी तो सदस्य की सदस्यता निरस्त होती है। बिल्कुल, लेकिन ये कार्रवाई शुरू करेगा कौन? सरकार करेगी। सरकार किसी भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए नहीं कर रही है, उसको भी राजनीतिक लाभ लेना है। बयान राजनीतिक लाभ लेना है। जो हिंदू समाज है वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ चला जाए ताकि 24 में उसको फायदा मिल जाए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जयप्रकाश भाई, आप बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, सबका जवाब दे सकते हैं आप। देखिए, हमारे मित्र जो आम आदमी पार्टी के हैं, हाँ, तो ये आज बड़ी दलित चेतना की बात कर रहे थे तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। अच्छा। कि जब लालू जी सक्रिय थे तो अरविंद केजरीवाल जब अन्ना मूवमेंट में थे तो उनका तो रिकॉर्ड सब लोग जानते हैं, वो मंडल कमीशन के संदर्भ में आरक्षण विरोधी बात करते थे। और जब अभी कोरोना आया था तब भी जाहिर बात है कि जो माइग्रेशन हुआ वो मजदूरों का 3 करोड़ तो सारे महानगरों से लोग गांव में खपे ही। अच्छा। तो दिल्ली से जो यूपी बिहार के गांव गरीब के लोग लौट रहे थे या दिल्ली से लोग इलाज कराने जाते हैं, उनके प्रति जैसी भाषा शैली वो बोलते रहते हैं कि ये लोग आते हैं और दिल्ली बर्डन बढ़ाते हैं, इलाज चलता, तो वो मूलतः किसके लिए कहते हैं? असंगठित सेक्शन के गांव गरीब पिछड़े दलित ही हैं। तीसरी चीज मैं बताऊं कि एकमात्र भारत की ऐसी पार्टी जिसकी कोई आइडियोलॉजी ही नहीं। आइडियोलॉजी नहीं है, जैसे आप ही बता दीजिए जरा। आप अगर भाई दक्षिण पंथ ही सांप्रदायिक ही कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, हम लोग धर्म जात की राजनीति नहीं करते हैं ना। ये बता दें थोड़ा ज्ञान, हम लोग स्वास्थ्य की बात करते हैं। हाँ बता तो लीजिए, आइडियोलॉजी स्वास्थ्य नहीं होता। सुनिए, ये जैसे ये मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस मध्यमार्गी है, हम लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, हमारे दयाराम भार्गव भाई भी हों जो अच्छा। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पे भले हम सांप्रदायिक नफरत वाली कहें, वो एक अच्छा शब्द सांस्कृतिक राष्ट्रवाद लाते हैं। अच्छा, अगर इतने पढ़े लिखे ये हैं, मतलब उसे बरगलाए ना, लेकिन अगर ठीक से जनक प्रसाद भाई बता दे आज कि नहीं हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी ये जी, हमारी आइडियोलॉजी जो है वो कार्यक्रम मत बताइए, संविधान है, वो संविधान है, संविधान के हिसाब से देश चलेगा, ये आइडियोलॉजी है। हम लोग जात धर्म की बात करते ही नहीं है, गुनाह हमारे यहाँ करते, नहीं करते। सुन लीजिए, हमारे यहाँ गुनाह है जात धर्म की बात करना। सुन लीजिए, जब तक गैर बराबरी है जी, जब तक हम बराबरी में नहीं है तो जाहिर है कि एक तंदुरुस्त आदमी को एक विकलांग आदमी से लड़ा रहे हैं, उसकी ताकत तो स्कूल देगा, उसकी ताकत उसके आइडियोलॉजी क्या स्कूल देंगे। हमारे जो है, हमारे जो जो सरकारी स्कूल का रिजल्ट था वो 99.6% आई, हमारी आइडियोलॉजी है। और एक किसी भी संसार का आदमी अगर अगर दिल्ली में एक्सीडेंट होता है उसका इलाज अगर 1 करोड़ रुपए भी लगेगी तो हमारी अरविंद जी की सरकार देती है। ये मानवतावादी आइडियोलॉजी बताइए, मानवतावादी आइडियोलॉजी पे हम लोग काम करते हैं। ठीक, आ गया, हो गया भाषण, हो गया। आपकी आइडियोलॉजी क्या जानते हैं? बता दीजिए। आप शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस पार्टी हैं। अच्छा, जैसे बहुत पहले जब अन्ना के साथ आए थे तो गांधी बाबा का फोटो लगाए थे। अच्छा। और जब पंजाब में आप जीते, कौन सी बात है शॉर्ट टर्म मेमोरी? मैं बता रहा हूँ, सुनिए, मेमोरी 2 साल चलती है। जब ये पंजाब में पहुंचे जी तो ठीक है, जगह तो थी कार्यालय में ना जी, उसी गांधी जिसके गांधी अन्ना के मतलब कंधे पे पैर रख के गए थे, इन्होंने बकायदा फेंकवा दिया गांधी को। अच्छा। और फोटो किसका लगवा लिया? स्वागत योग्य था बाबा साहब का, भगत सिंह का। बाबा साहब आग है, तो मैं बताऊं, हाँ। फोटो लगा लेना अलग है, जब हाँ। इन्हीं का मंत्री हाँ। बाबा साहब के उन्हीं मतलब आदर्शों पे चलते हुए उन्हीं का मंत्र पढ़ दिया, उन्हीं का शपथ ले लिया तो उसको हटा दिए। अच्छा। अब फिर गुजरात पहुंचे तो हाँ। जब ये बाबा ये लक्ष्मी गणेश नोट पे छापने के लिए कह रहे थे तो संविधान को उसी समय हाँ। जमींदोज कर रहे थे, चिथड़ा कर रहे थे। अच्छा। भारतीय संविधान में सांप्रदायिक प्रतीकों के इस तरह की व्याख्या वैज्ञानिक नहीं थी। नहीं, तो आप बताएं कि अभी अभी सुन लीजिए, ये लघु मोदी बन रहे। अच्छा। अभी जाएंगे गुजरात तो लक्ष्मी गणेश कहे हैं। भार्गव भाई अगर ये पूर्वांचल जाएंगे, केजरीवाल को सुनिए, केजरीवाल को आज ज्ञान हुआ कि मैं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पैदा था, इसके पहले आप सुने थे। पूर्वांचल जाएंगे तो कहेंगे अरे छठी मैया के दिन हमारा जन्म हुआ था। अच्छा। और अगर महाराष्ट्र जाएंगे तो कहेंगे हमारे पिताजी तो गणपत बप्पा की मूर्ति लाए थे। और अगर साउथ इंडिया चले जाएंगे तो कहेंगे अरे मैं पहले मुर्गन का उपासक था। कलकत्ता जाएंगे तो कहेंगे काली माई थी। और उड़ीसा जाएंगे तो कहेंगे जय जगन्नाथ के पास मेरा जन्म हुआ। हे प्रभु, आप निसंगा अवतार हैं, निसंगा अवतार हैं जिसकी लीला ही अलग अलग है। ऐसे निसंगा अवतार का आदर्श समझ में सबको आता है तो यही आदर्श से हमने तीसरी बार सरकार बनाया है सर। अरे सरकार क्या बनाया है यार, सुनिए,
दिल्ली में, और अभी मेयर भी आपके बनने जा रहा है। संविधान संविधान के हिसाब से चल रहे हैं सर। ये नूरा कुश्ती है, आरएसएस की उपज है ये। सुनिए, सात की सातों सीट, सात की सातों सीट जी आरएसएस की बात क्यों बोलते हैं? दे देते हैं भाजपा को। पंजाब में भी यही होने जा रहा। ये विपक्ष की एकता के लिए नहीं आते, ये विपक्ष के कांग्रेस या जो भी दावेदार है उससे लड़के बुलाते नहीं भाजपा के लिए बैठिंग बुलाते का इनको। ये कौन सी चले हैं भाजपा से लड़ने वाले? देखिए साहब, हमें जो गरीब गुरुआ लोग हैं उनके बच्चे, उनके बच्चे कैसे स्कूल अच्छे पाएंगे, उनके उनको स्वास्थ्य सेवा कैसे अच्छी मिलेगी, इस पे काम करते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं करते। देश, या अरविंद जी ने कहा है, ये देश विश्व गुरु तब बनेगा जब इस देश के बच्चों को अच्छी और मुफ्त शिक्षा मिलेगी, और जिससे आप टैक्स भरते हैं उस पर हम लोग काम करते हैं। इसके सिवा कुछ जानते नहीं। एडवर्टाइजमेंट 6 लाख का अखबार आएगा। आप दलित बने, आप पंडित जी बने, आप अगड़ा बने, पिछड़ा बने, कुछ नहीं। अरे यार, ये आप अपने आइडियोलॉजी पढ़ लीजिए, आपके नेता क्या बोलते हैं। आप भोजन वाली विचार लगाएंगे, हमें आप तरस आता, पार्टी निकाल लेगी आपको भाई साहब। स्कूल स्कूल अच्छे करना, चले ठीक है, हो गया आप देखिए, चले प्रसार मिश्रा जोड़ते हैं, आप दिल्ली में, चले ठीक है प्रसार मिश्रा कुछ बोले, प्रसार मिश्रा बोलिए, बोलिए प्रसार मिश्रा बोलिए। बिल्कुल, अरे आप काहे नहीं, परमिला दीक्षित की बात करिए, हम तो नेहा दीक्षित पे चर्चा करना चाहते हैं जी। मतलब ये आधुनिक दौर का जौहर है जो बुलडोजर ने पैदा की है। अरे कह रहा है कि आप काम पर चर्चा क्यों नहीं करते भाई? आप माफी मांगिए। हाँ। कि हम शर्मिंदा हैं कि नेहा बहन जो है जिंदा जल गई यार। अच्छा। उससे बड़ा कोई धर्म ग्रंथ होगा? अच्छा। धर्म ग्रंथ हमारी महिला माताओं बहनों के लिए है। सती प्रथा का भी हमने विरोध करके सही कर लिया। तो आप रामचरितमानस नेहा दीक्षित से बड़ा नहीं है, मैं कह रहा हूँ रिकॉर्ड से। एक बहन हमारी जिंदा जलाई जा रही है और आप उत्सव मना रहे हैं और फिर धर्म ग्रंथ का नारा दे रहे हैं। 27 रुपया प्रतिदिन पे 1,77,00,000 किसान भारत में मर रहा है। सुनिए, भाषण मत दीजिए। आप जनरल ऑफ माइग्रेशन अफेयर की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। हर 16वां आदमी गांव भाग के दिल्ली मुंबई चेन्नई में जा रहा है। किस लिए जा रहा है? बेरोजगारी की स्थिति क्या है आप जानते हैं? कुपोषण का आपके स्मृति ईरानी ने आंकड़ा दिया था। चले ठीक है, 9,27,000 है, उसमें सबसे ज्यादा नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है, है। और कुपोषण आंगनबाड़ी बोलिए। और स्मृति ईरानी जी ने अभी जल्दी सर्वे कराया था और 25,000 जानवर उन्होंने लिखा। बोलिए बोलिए, ठीक है, आवाज कम कराया जाए, थोड़ा डिबेट का मौसम थोड़ा बदल जाए। बदल दीजिए। देखिए, हाँ। जी देखिए, आज जो हमारे समाजवादी के साथी कह रहे हैं, हाँ। कहना भी चाहिए, लाजिम है, अगर विपक्ष के हैं तो कुछ ना कुछ कहेंगे। अच्छा। हम भी विपक्ष में हैं। अच्छा। लेकिन हम समाजवादी के साथी पांडे भैया से पूछना चाहते हैं, भैया जब पिछले सदन में उत्तर प्रदेश लखनऊ में आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर बिजली के सवाल पे, महंगाई के सवाल को जो त्रस्त है जनता, जब सदन में आवाज उठा रहे थे, समाजवादी के विधायक क्यों भाई हंस रहे थे, क्यों ठिठोली कर रहे थे? अरे हंसी आ रही होगी भाई। अधिकार न्याय मिलता है, सुन लीजिए भाई, जहां न्याय है अधिकार मिलता है वहां आप लोग प्रश्नकाल तो करते नहीं, आप केवल आके बाहर प्रश्नकाल करते हो। अच्छा। जनता ने चुन करके आपको भेजा है, उनके सवाल उठाइए सदन में, वो काम आपके बस की नहीं है, केवल आप हंगामा कर रहे हैं। दूसरी बात, पत्रकार पे आप देश और प्रदेश की आवाज नहीं आ रही। अच्छा। पांडे जी क्लियर, आपकी आवाज नहीं आ रही, आता आप कहो या मैं चुप हो जाता हूँ। मैं कह रहा हूँ भाई साहब, आज तो आपने देखा आप ही, ये मैं कह रहा था, आज का दृश्य देख लीजिए, आप ही बोलिए। चौधरी चरण सिंह के प्रतिमा पे प्रतिपक्ष के लोगों के धरना प्रदर्शन की ये आजादी के बाद से परंपरा थी, आज उसको घेराबंदी कर दी गई, पत्रकारों पे भी हमला किया गया। तो ये तो सरकार, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि बीड़े इंस्टीट्यूट ने साफ साफ भारत को आज निर्वाचित निरंकुश कहा है। अच्छा। और योगी के कारनामे की चर्चा इतनी ज्यादा है कि जो मतलब रिपोर्ट है अमेरिका की इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम वाली, उसमें तो इनको सीपीसी श्रेणी में रख दिया गया भारत को, मतलब। अच्छा, मुझे रिपोर्ट समझ में नहीं आती है, कभी योगी आदित्यनाथ की कोरोना नीति की तुलना होती है, सराहना होती है, कभी खराब बताया रख दिया गया, उसका नमूना आज दिख गया। जब जन प्रतिनिधि नहीं धरना प्रदर्शन कर पाएगा, अभिव्यक्ति की आजादी एक बीबी से यही पत्रकार पे हमला हो रहा है, तो कौन सा आंदोलन कर पाएंगे इनकी हुकूमत? गरीब आदमी अगर बेचारा है तो उसका तो
उनको उसकी झोपड़ी भी इनको चित्तौड़गढ़ नजर आती है। अच्छा। बुलडोजर चला जब आप चार बार सरकार में थे तब आपको जनगणना नहीं याद आया, आपको सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट याद नहीं आई, क्यों भाई? तब आप बिजली महंगाई की बात नहीं की, किसानों की गन्ना की। मैं बताऊं, किसानों की गन्ना का भाजपा सरकार ने 25 रुपया बढ़ाया था, इन्होंने 10 रुपया बढ़ाया था। ये जब किसानों की देने की बात थी तब ये इसी तरह काम करते थे। आप पत्रकारों की बात करते हैं, भूल गए आप पत्रकारों को? कानपुर का कांड, समाजवादी की सरकार में कैसी कैसी बातें करते हो भाई? कैसी बात करते हो? जो घर से उठा करके उसकी किस तरह कृत्या किया गया। देखिए, जिस सरकार में जो भी सत्ता में रहा है दोनों भाई, सबने उत्पीड़न किया है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवानों का सबने उत्पीड़न किया है। देने की चर्चा कौन करता है? जो सरकार में रहता हूँ बार बार कहता हम दे रहे हैं, लेकिन जब विपक्ष, अरे बोल रहा बीजेपी प्रवक्ता है क्या ये? भार्गव जी क्या बीजेपी मिल गए क्या? ये कह रहा बीजेपी प्रवक्ता है क्या? अरे भाई बैठे हैं हमारे भाई, सुनिए भाई, सुनिए प्रशांत जी बैठे हैं, भार्गव भाई कहे पांडे जी सुनिए, अरे बेमतलब आप कुछ भी कह ले, समाजवादी की कथनी करनी भी यही तो अंतर सुनते कहा। अरे हमसे लड़ रहे जो सरकार रही है अभी, प्रशांत जी है अभी आपको बुलाया भी नहीं गया, आप इतने कुर्बान। दयाराम भाई सुन लीजिए, दयाराम भाई अभी सुनते नहीं, समस्या यही है। दयाराम भाई ठीक है, हो गया दयाराम भाई हो गया बटन दीजिए, भारतीय समाज पार्टी को सरकार बना दीजिए ना भाई, बना दीजिए। आपको दूध के दूध पानी के पानी, उत्तर में 25 करोड़ जनता को क्या चाहिए, हम देने का काम करेंगे। चलो ठीक है ना। अच्छा, ये आपको भाजपा प्रवक्ता क्यों बोल रहे हैं भाई साहब? ये सपा वाले आपको भाजपा प्रवक्ता क्यों बोल रहे हैं? बना दिया आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष। अरे इनका बस नहीं चलता, नहीं दिया उत्तर प्रदेश से हमको बाहर कर दे भाई, इनका बस नहीं चलता समाजवादियों का, बहुत बड़ा है समाजवादियों का बस नहीं चलता ना, उत्तर प्रदेश से हमें बाहर कर दे भाई। अच्छा, बाहर कर दे, हमें कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा, बाहर कर देगा। अच्छा आपका, अरे बिल्कुल इनका बस नहीं चल रहा भाई। अरे बस चल रहा था तो आप लोग गलवैया डाल के प्रचार कर रहे थे, हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे, अब तलाक हो गया तो आप पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, ये राजनीति समझ में नहीं आती मेरे को। देखिए जी, देखिए राजनीति समझ में आएगी। अच्छा, ये सब हमसे गौरव भाई पूछते थे, ये सब सपा से पूछिए, सपा ने गठबंधन किया कांग्रेस से, वहां में नहीं आई, सपा ने भाजपा से गठबंधन किया, सपा ने और दल से गठबंधन किया, वो समझ में नहीं आई, लेकिन सुभाषपा ने गठबंधन किया तो मुद्दों के आधार पे किया था। दयाराम भार्गव जी, दयाराम भार्गव जी सुन लीजिए, जय प्रकाश पांडे बोल रहा है कि आप दो प्रवक्ता क्यों बैठा लेते हैं, बीजेपी वाला और ये वाला, आप बीजेपी प्रवक्ता क्यों बने हुए भाई? इसके पहले जब हम 2019 में 18 महीने की सरकार में जब हम भाजपा से अलग हुए थे तो यही अखिलेश यादव थे, समाजवादी के लोग बड़े अच्छे तारीफ करते थे कि देखो वो राजभर है। अच्छा, जो कैबिनेट में रह करके आईना दिखाने का काम करते हैं, आपको बुरे लगने लगे। अरे भैया बुरे क्यों नहीं लग रहे? यानी हम आपकी आवाज थोड़ी भाई सुन दो, भारतीय समाज पार्टी। ठीक है ठीक है, दिलीप भाई की बात ले लो ठीक है। दिलीप हर्षवर्धन जी, दिलीप भाई यहाँ पर जैसा चर्चा हो रही है भाई, चर्चा निश्चित रूप से यहाँ पर एक बात तो स्पष्ट होती है कि पार्टियां ना चाहते हुए भी धार्मिक मुद्दों के पीछे नहीं हटेंगी, इंटरेस्ट सबका है, लेटर चाहते जारी हो और चाहे कितना समझाया जाए, चाहे कितना सबक लेने की बात कही जाए, पर मुझे नहीं लगता है कि हमारे देश में खासतौर से उत्तर प्रदेश में धार्मिक बयानबाजी पर रोक लगेगी। पार्टियां बोलेंगी, लेटर जारी करेंगी, पर होगा कुछ नहीं। कैसी राय है फाइनली? एकदम सही कहा आपने, कोई नहीं रोकेगा, कोई राजनीतिक पार्टी को नहीं रोकेगी। यहाँ देखिए बैठ करके हर पार्टी दूसरी पार्टी की बुराई कर रही है, बुराई कर रही है, और अभी जब इनका आपस में अलायंस हो जाता है जी, तो वो पार्टियां की सारी बुराई खत्म हो जाती है और सब अच्छे हो जाते हैं। बिल्कुल, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य को जब भाजपा ने ले लिया था तो भाजपा सबसे अच्छी पार्टी थी और स्वामी प्रसाद मौर्य सबसे अच्छे नेता हो गया, उनके लिए पार्टी पूरी तरह से जी। ये जो राजनीति, गौरव भाई मुझे जाना है, माफ करिएगा, ठीक है ठीक है, राज्य की नीति कर रहे हैं, राजनीति नहीं करते, राज्य की नीति करते हैं, इनका राज कैसे बना है जी। लेकिन दिक्कत यह है कि जनता इन बातों को नहीं समझ पाती है, जनता भी इस बात में खुश होती है कि हाँ भाई मेरी जाति के आदमी बैठ करके ओबीसी की बात कर रहा है, एससी की बात कर रहा है, मुझे बढ़ाने की बात कर रहा है, और तो समझ नहीं आ रहा है कि 75 साल देश की आजादी के होने वाले हैं, कितने लोग बढ़ रहे हैं इन बातों से और इन राजनीतिक पार्टियों के वादों से जी। तो ये चीजें चलती रहेगी क्योंकि रोकना राजनीतिक पार्टी के हाथ में, जनता इसमें कुछ कर नहीं सकती। जनता जातीय भावनाओं में बहती है, उसको अच्छा लगता है, उसकी जाति की बात होती है कि हमारे समाज के नेता ये, हमारे समाज के नेता ये, हमारी जाति के नेता ये, हमारी जाति की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। चंद लोगों को फायदा होता है, जो लड़ रहा होता है वो, और दो चार और लोग, मासेस में फायदा नहीं होता है। मासेस को ये बात समझ में नहीं आती है, जब कोई
मरता है, जब किसी से हत्या होती है तो वो ये नहीं कहता कि लड़का मर गया, लड़की मर गई या आदमी मर गया, इस जाति का व्यक्ति मर गया, इस जाति के व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार हो गया, इस जाति के व्यक्ति के साथ अत्याचार। बिल्कुल सही बात कही आपने, जाति पे ज्यादा बल होता है, बिल्कुल होता है, जाति के साथ जैसे कानपुर कांड को लेकर ब्राह्मण बताया जा रहा है, जैसे कानपुर कांड को ब्राह्मण बताया जा रहा है। मैं कोई प्रवक्ता बैठे थे, बार बार इसी हिसाब से सोच रहे की ब्राह्मण की लड़की की हत्या हो गई, ब्राह्मण की लड़की की हत्या हो गई, अरे लड़की की हत्या हो गई, इतना क्या काम काफी नहीं है समाज को सोचने के लिए, ब्राह्मण की हो या किसी की हो, आग लगा के उसके घर में मृत्यु हो गई, ये अपने आप समाज में बड़ा बदले की भावना से दलित पिछड़े आधी आबादी अकलियत और ब्राह्मणों को टारगेट कर रहा है। बोलने कुछ जी बोलिए, बोलिए जबकर भाई बोलिए, अपनी बात पूरी करिए, कुछ बोल रहे। मैं ये कह रहा था दिलीप भाई, वो अकारण नहीं है। अच्छा, जब से भाजपा की सरकार आई है, चूंकि इनके लिए प्रतिशोध नॉर्मल सी है, बदले की भावना से ये व्यक्तियों को भी टारगेट करते हैं। अच्छा, चाहे वो आजम खान साहब का ठीक है कुछ, लेकिन आप कोई भी देश का नागरिक ये मानेगा कि कैबिनेट मिनिस्टर, इतने बड़े रुतबे वाला आदमी बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, किताब चोरी, विद्युत का कटिया चोरी का अपराध नहीं करेगा? अच्छा, तो स्वाभाविक है। या फिर जब भी ये किसी को टारगेट करते हैं, चूंकि ये बेसिकली मर्दवादी सोच के लोग हैं, तो आधी आबादी को, मैंने कहा पूरे भारत के आजादी के इतिहास में कभी भी राजनीतिक प्रतिद्वंदी पे जब हमले भी किए गए हैं, मायावती बहन जी ने रघुराज प्रताप सिंह पे हमला किया था, निश्चित रूप से उसमें कुछ ना कुछ पूर्वाग्रह रहा होगा, लेकिन उनकी पत्नी पे कुछ नहीं किया गया। लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक साझा फीचर है कि अगर आजम साहब जाएंगे, उनकी पत्नी को टारगेट किया जाना है, विजय मिश्रा की पत्नी को टारगेट किया जाना है, मुख्तार भाई के अब्बास अंसारी की पत्नी को टारगेट किया जाना है। तो ये बेसिकली ये है कि संघ एक मर्दवादी सोच का संगठन है, और उससे जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो तो और बड़े संघ ही हैं। तो इन लोगों की जो एक तो ये आधी आबादी के खिलाफ हैं, अकलियत को तो कहना ही नहीं, मुसलमानों के विरुद्ध ही तो पूरा जहर ही घोला गया यहूदी के तर्ज पे। तो अब ये है कि उनको अगर ये इतना आसान नहीं है दिलीप भाई, चूंकि भागवत चित्पावन ब्राह्मण है, अगर वो टारगेट करके बोल रहे हैं तो सामाजिक न्याय की ताकतों को अपने पक्ष में करने के लिए वो वैसा ही नफरत और जहर घोलेंगे जिससे इस देश में मॉब लिंचिंग कभी नहीं हुई थी, दंगे होते थे आजादी के बाद भी, दंगा एक सामूहिक भीड़ की प्रतिक्रिया होती है, लेकिन एक स्वस्थ समाज एक व्यक्ति विशेष पे जब मॉब लिंचिंग वाला हमला करता है, ये भारत में कभी नहीं होता था, ये 2014 के बाद हुआ। और आपको याद दिला दें कि यूरोप में, चर्च जो है ईसाइयों ने लूटा था। अच्छा, अगर संघ ऐसे रहा तो निश्चित रूप से ब्राह्मणों पे हमले व्यक्तिगत होंगे, मॉब लिंचिंग होगी। अच्छा, उनकी कुछ हत्याएं करानी पड़ेगी इन लोगों को। अच्छा, जिससे इनके राजनीति की फसल ब्राह्मणों के इतने आप हितैषी हैं, वो किस लिए ब्राह्मण हमेशा एक अल्पसंख्यक जाति। हाँ, जो वर्चस्ववादी होगी, आर्थिक सामाजिक दृष्टि से ऊपर होगी, उसी के विरुद्ध ध्रुवीय मनोवैज्ञानिक है यहूदियों के विरुद्ध होगा। दिलीप भाई जवाब दीजिए फाइनली। मैं इनकी बातों को समर्थन नहीं देता हूँ, क्योंकि राजनीति लाभ के चलते ही बयानबाजी कर रहा है कि ब्राह्मण की विरोधी भाजपा हो गई, कभी ब्राह्मण को बिल्कुल मिल जाए। 2024 का जो चुनाव आ रहा है, इस चुनाव तक आप एक जातिगत लड़ाई को देखते रहेंगे। हर पार्टी चाहे मुझे संविधान का पालन करके संविधान के हिसाब से देश को चलाना चाहते हैं, लेकिन हम सारे संविधान के विरुद्ध करेंगे, स्टेटमेंट सारे संविधान के विरुद्ध होंगे। शर्तों में संविधान रहेगा, कर्मों में संविधान नहीं होगा, संविधान को धरती पर नहीं उतारेंगे, और दलितों की, पिछड़ों की, शोषितों को मुख्य धारा से जोड़ने की बात जरूर कहेंगे, लेकिन जोड़ता कोई नहीं, कोई नहीं है उनको, सत्य का सही बात है, उनके कंधे पे सर रखा जाता है। पर ही तो 2025 में संविधान ही नहीं बचना, जिस समय ताज आ जाता है तो आप अपना ताज संभालते हैं, फिर आपको कंधा भूलना। ठीक है जनक भाई, आखिरी कमेंट आपका, जल्दी बोलिए। देखिए, जैसे कहा कि भाजपा अगर 25 में रही तो संविधान नहीं बचना उसका, आपने देख लिया कि चीफ जस्टिस साहब को बोलना पड़ा आपके दिल्ली मेयर वाले जी, उस पे जी, और आपके अडानी वाले मुद्दे पे जी, तो सब कुछ क्लियर है। संविधान बचाने की लड़ाई तिरंगा शाखा लड़ रही है, अच्छा, आम आदमी पार्टी लड़ रही है, हम लोग ग्राउंड पे जाके संविधान की मूल प्रतियां घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं तिरंगा शाखा के। तो ठीक है, आप सभी मेहमान जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो यह चर्चा थी जिस तरह से कि धर्म पर बयानबाजी से सभी पार्टियों को यहाँ पर किनारा करना होगा। सोमवार बीजेपी में हुई, बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं आगे बढ़कर अपने नेताओं को कहा कि आप लोगों को धार्मिक बयानबाजी से बचना चाहिए। तो भाई अखिलेश यादव भी अब पत्र के द्वारा अपने नेताओं को
समझा रहे हैं कि जनता के मुद्दों पर बात करिए, धार्मिक और सांप्रदायिक मुद्दों से दूर रहिए। तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर बयान के बाद जिस तरह से राजनीति तपने सी गरमाई थी, उससे अखिलेश यादव अब शायद किनारा काटते नजर आ रहे हैं। मैं निश्चित रूप से धर्म भक्ति भाव और आस्था के लिए बना है, धर्म पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और खासतौर से जिस तरह से हमारी राजनीति इस समय हो रही है, कहीं ना कहीं ये हमारे देश की वैश्विक व्यवस्थाओं के लिए, छवि के लिए और संस्कृति के लिए नुकसानदेह है। एक प्रारूप और एक रूपरेखा सभी पार्टियों में एक गाइडलाइंस बनाई जानी चाहिए कि बोलना जरूर है, संघर्ष करना जरूर है, बयानबाजी करना भी जरूर है, क्योंकि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। पर शायद वो बयानबाजी धर्म पे ना हो तो बेहतर संदेश जाएगा जनता को भी, और साथ ही साथ हमारे देश के एक व्यवस्था, एक सांप्रदायिक व्यवस्था, सौहार्द और एक वैश्विक छवि को भी। तभी बेहतर भारत का निर्माण हो सकेगा, अन्यथा धर्म से राजनीति को या राजनीति को धर्म से जोड़ने पर केवल नुकसान होता है, जनता का भी और पार्टियों का भी। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार।